बेटी 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 माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे बेटी। हरामियों, तुम तीनों मुझे जलाकर मारना चाहते थे ना, और मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों को जान से मार दूंगी मैं। अब तुम तीनों फैसला करो कि कैसे मरोगे, जलकर, फांसी पर लटक कर या जहर खाकर। बेटी बेटी मुझे तो माफ कर दे, मैं तेरे पिता समान हूँ। बुढ़े, अपनी इस गंदी जुबान से ना बाप शब्द का अपमान मत कर, तू बाप नहीं तू जल्लाद है, जल्लाद। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ समान हूँ ना, मुझे माफ कर दे। माँ, बुढ़िया माँ क्या होती है ये तू क्या जाने, तू एक माँ नहीं तू डायन है डायन, लेकिन मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। महारानी घोड़े बेच के सो रही है, घर का काम क्या तेरी माँ करेगी, कल मुँह ही कहीं की। माँ जी आपको तो पता है ना कि मुझे दो दिन से बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो घर का काम चाहिए बस, समझी क्या। माँ जी आप अपने बेटे से बोलिए ना कि वो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, मैं उन्हें कल से कह रही हूँ मगर वो मेरी सुनते ही नहीं। तुझे कोई गोली नहीं लगी है, चुपचाप घर के काम पे लग जा, और हाँ मेरे लिए चाय बना। बहू इधर आ। आई पिताजी। हाँ जी पिताजी बोलिए। पिताजी की बच्ची 10 बज चुके हैं, मेरे लिए चाय का तेरा बाप बनाएगा। पिताजी क्या सासू माँ ने आपके लिए चाय नहीं बनाई। वो इस घर की मालकिन है, मालकिन समझी, तेरे बाप की नौकर नहीं। चल मेरे लिए चाय बना कर ला। अभी लाई पिताजी। ओ महारानी कहाँ चली। जी मैं माँ और पिताजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बनाकर लाऊं क्या। साली हराम जादी, सुबह के 11 बज रहे हैं और महारानी अब चलिए चाय बनाने के लिए, सुबह क्या कर रही थी। आपको तो पता है ना जी कि मुझे कल से कितना बुखार है, और आप मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते। साली हराम खोर, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो तेरा हर हुक्म मानू, तेरे को सिर्फ बुखार हुआ है, मर तो नहीं गई तू। आखिर आप सब मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा आप सब मिलकर मुझे दे रहे हैं। अब तू सही पकड़ी। और सुन, दहेज ना लाने की सजा मिल रही है तुझे। क्यों जी मैंने सही कहा ना। हाँ जी आपने एकदम 16 आने सही कहा। माँ ये भिखारन हमारे पल्ले कहाँ से पड़ गई। अरे बेटा तू किस बात की चिंता कर रहा है, चिंता मत कर, इस भिखारन को तो मंदिर में भेज देंगे भीख मांगने के लिए। आप कहना क्या चाहते हो पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं मेरे पूजनीय पिताजी। तेरे पिताजी का कहने का मतलब है हम इसे टपका देंगे। तू अब बिल्कुल सही पकड़ी है मेरी जलेबी। इसका मतलब हम इसे मार देंगे। बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल राइट। आप सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं दहेज नहीं लाई। हाँ मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान है, उन्होंने अपने औकात से बढ़कर आप सबको दहेज दिया,
और आप फिर भी मुझे मारना चाहते हैं, यही कहना चाहती हो तुम? बहू अब तो सही पकड़ी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बेटा अब तू बता इसको कौन सी मौत मारे, फांसी देकर या फिर जलाकर मार दे। बेटा इसे तो जलाकर मार देते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो पिताजी, हम इसे पकड़ते हैं, आप सिलेंडर लेके आओ। नहीं नहीं जी, आप सब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना आग से बहुत डर लगता है, मैं अपने पिताजी के पास वापस चली जाती हूँ, मगर आप मुझे मत मारिए। पिताजी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। माँ पकड़ लो इसको। नहीं जी, छोड़ दो मुझे। ये ठीक है, लाओ छोड़ दो मुझे। माँ जी छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ते छोड़ते। माँ तेल ले क्या? मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए, मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आग से बहुत डर लगता है, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए भगवान के लिए। अरे बेटा आज बहुत खुशी का दिन है, तो कुछ हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, क्या कहना चाहते हो आप? अरे उल्लू के पट्टे, इतनी खुशी सहन नहीं हो रही, एक एक पैग हो जाए। मैं अभी लाया पिताजी। छोड़ दो पिताजी मुझे। छोड़ दे, तुझे छोड़ दे। ये लो पिताजी। अरे वाह बेटा वाह। ये देख तेरे मरने की खुशी में। बेटा थोड़ी सी बहू रानी को भी पिला दीजिए। बिल्कुल सही कहा पिताजी आपने, इसे शराब पिलाकर जला देंगे, लोगों को कहेंगे शराब के नशे में थी, जलकर मर गई, पोस्टमार्टम में भी अल्कोहल आएगा। फिर बेटा देरी किस बात की? नहीं जी ऐसा मत कीजिए। लो पिताजी पूरी बोतल गटक गई है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम रह गया। अरे बेटा देरी किस बात की, मैं अभी अग्नि लेकर आया। अरे पिताजी आज आओगे कल आओगे, जल्दी आ जाओ। लो बेटा।
ये सब काम मुझे ही करने दो पिताजी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, अरे पकड़ो, खुल गई है पिताजी। अरे भाग गई है तो क्या कर रहे हैं यार, ये मारेगी पिताजी। बेटी हमें माफ कर दे बेटी। हरामियों, तुम तीनों मुझे जलाकर मारना चाहते थे ना, और मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों को जान से मार दूंगी मैं। अब तुम तीनों फैसला करो कि कैसे मरोगे, जलकर, फांसी पर लटक कर, या जहर खाकर। बेटी बेटी मुझे तो माफ कर दे, मैं तेरे पिता समान हूँ। बुढ़े, अपनी इस गंदी जुबान से ना बाप शब्द का अपमान मत कर, तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ समान हूँ ना, मुझे माफ कर दे। माँ, बुढ़िया माँ क्या होती है ये तू क्या जाने, तू एक माँ नहीं, तू डायन है, डायन। लेकिन मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। हाँ बोल बेटी गुलाबो, तेरी क्या शर्त है। अब मौत सामने देखी तो बेटी, ठीक है बुढ़िया, मेरी शर्त ये है कि तुम तीनों पुलिस स्टेशन जाओगे मेरे साथ, और अपना जुर्म कबूल करोगे कि तुम तीनों दहेज के लालच में मुझे जलाकर मारना चाहते थे। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है बेटी, मंजूर है। चलो पुलिस स्टेशन, खड़े हो जल्द।